और एस म्यूजिक प्रेजेंट्स। द्वारपाल उनसे पूछ लो, महाराज दासिया सु पूछी, द्वारपाला सु पूछो तो बे तो बोले भाई महाराज रानी तो कटेगी ही नहीं, वो तो अटे थी। राजा बोलो ऐसे कैसे हो सकता है? रानी बोली आप वो काई कर रहे हो, आप एक भगत ने सता रहा हो, आपने पतो नहीं है। मैंने सुनो नरसी जी भगवान रा बहुत बड़ा भगत है, वो भी सुनो है कालांतर में बे गोलोक में भी रह के आया, आप उन्हें सता रहे हो। अभी तो वह मेरे रूप में आया, रानी रूप में आया है, पर घना सताओगा ना और ज्यादा करोगा तो सुदर्शन चक्र आता देर नहीं लगेगी। जाओ जर नरसी जी से माफी मांगो। अब महाराज राजा दौड़ो दौड़ो दरबार में गयो, नरसी जी रे पारा पारा पड़ गयो। भक्ता हमने माफ कर दियो, भक्ता हमने माफ कर दियो। अतने में महाराज ठाकुर जी की कृपा हुई और नरसी जी रे गले में उनरो हार निकले, ठाकुर जी री मूर्ति रो और उनरे गले में घली गयो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। अब महाराज नरसी जी ने राजा ने उठार चरणा सु अपने गले ले गायो। अब सारे तरफ सांवरिया सेठ की जय जयकार होने लग गई, सारे सभासद जय जयकार करने लग गया। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो महाराज बिया तो नरसिंह जी ने जीवन में भगवान ने 52 बार दर्शन दिया, कती बार है पर इतना सारा जो कथा है कहीं नहीं जावे। पर मैन हुंडी वारो प्रसंग, हार वारो प्रसंग ऐसो बताई कि यो संत लोग कवे है कि हार वारो प्रसंग जो सुन ले वह यो उसका जन्म मरण का फंद से मुक्त हो जावे। उरे माता ठाकुर जी की कृपा हुए तो ई तरह से ठाकुर जी ने आप रे भक्त री लाज राखी। तो महाराज अब आपने पहले दिन बताया था कि नरसिंह जी ने आप री छोरी रो ब्याह कटे करो हो श्री रंग जी रे घरा अंजार नगर में करो तो। अब उन रे ब्याह रे बाद में नरसिंह जी उन री खबर भी नहीं ली मेरी बेटी काई हाल में है। नरसिंह जी री बेटी नानी बाई का एक लड़की होगी, पर नरसिंह जी ने ई बातारी खबर नहीं। और वह बेटी बड़ी होगी, 52 साल होगी और ब्याह रो टाइम नजदीक आई गयो। नरसी जी की टीकरी नानी बाई नाम राम जी, नरसी जी की टीकरी नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी, ब्याही श्री रंग जी घरा नगर अंजार सुग्राम के बोलो नारायण हरि हरि के नाम से धरे के बोलो नारायण हरि। जस सुता के लगन को श्री रंग कियो उठावे राम जी, जस सुता के लगन को श्री रंग कियो उठावे बिरादरी नागुर कुल गोवा के बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि। माध कृष्ण प्रभु शब्द में कुकु पत्र लिखाए राम जी, मोदरा विक्रम संवत जाने नागर सब भेड़ा हुआ और जा जम दई बिछाए ये जी नागर सब भेला होया जा जब देई बिछाए बोलो नारायण हरि बोलो नारायण हरि। महाराज मायरारी असली शुरुआत तो अठे सु होवे,
ये जो पद है ये मायरा री रचना हुई उन टाइम ही रचेड़ा है। अब महाराज छोरी रो ब्याह मंडी गियो, श्री रंग जी आपरी पोती मतलब नानी बायरी बेटी नरसी जी की डीकरी, डीकरी कहने बोले मारवाड़ में छोरी ने नरसी जी की छोरी जीरो नानी बाई नाम ब्याही श्री रंग के घरा में, श्री रंग जी के घरा में ब्याही श्री रंग जी के छोरा ने कठे अंजार नगर में जास सुता के लग्न को नानी बायरी छोरी को श्री रंग ब्यारो बहुत उछाऊ करो नो तो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव पूरे नागर परिवार में सब भेड़ा हुआ ब्यारी सब चर्चा चाली। आजकल तो महाराज कहीं हो ब्याह मंडगी हो टाबर रो धनी लुगाई बैठ हाँ किन किन निमंत्रण देनो है के करनो है के नहीं करनो है के जिमन करनो है खुद ही सल्ट ले वे है किरी राय नहीं ली वे पर महाराज पहला बुढ़ा बड़का ने पूछा करता सारा परिवार राले कट्ठा हुआ तो कट्ठा हुआ तो बोला भाई पहला चोट कुकू पत्री यानी निमंत्रण कहने दियो जावे तो बोला प्रथम लिखो गण ईश को पुनी जूनक जाने राम जी प्रथम लिखो गण ईश को पुनी जूने गड़ जाने पीछे सब जात में फिर सब जान पिछान ये जीता पीछे सब जात में फिर सब जान पिछान के बोलो नारायण हरि के बोलो नारायण हरि। तो महाराज बोला भाई पहले सबसे पहला निमंत्रण कहने लिखा प्रथम लिखो गणेश को सबसे पहले गणेश जी ने कुकु पत्री लिखो बोला गणेश जी ने लिख दी अब की ने लिखा बोले अब भाई सबसे मोटा रिश्तेदार कौन है मोटा को मतलब पैसा सु मोटा नहीं सबसे खास बोला भाई सबसे मोटा तो छोरी रा नानो है भाई बे मायरो बरेला भाई आपने तो भात बोले पर ज्यादातर मायरो बोले अपने राजस्थान में मायरा को मतलब मारा बठाऊ माल आवला कि मारा बठाऊ माल आवेगा मायरा तो बोले भाई माल तो बटी हुआ आओगो तो बनाने लिखो। अब श्री रंग जी बोला भाई तो मोटिया बन के उन रे पास लेन देन ने की है तभी कोई बूढ़ा बुजुर्ग था वो बोला भाई उन रे पास कुछ भी ना आओ पर आपनो फर्ज बने हैं उन्होंने कुकु पत्री देन को। अब नरसी जी रे नाम कुकु पत्री लिख दई। अब महाराज श्री रंग जी गरी आ गया सबासु ऊट। अब श्री रंग जी री लुगाई ने पतो चालो यानी नरसी नानी बायरी सासू ने पतो चालो कि नरसी जी ने कुकु पत्री लिखी है और वो मोड़ियो अटे आवला आपरा संग खड़ताल तुम्बा बजावेगा मारी बेचती हो जाओगी बदनामी हो जाएगी देन लेने तो भी कने कुछ है नहीं एडो काइन करियो जावे जूसु वो नरसिलो अटे ना आवे। अब महाराज नानी बायरी सासू तो अड़ी परेशान अड़ी चिंता में पड़गी घर का कभी इन चक्कर काटे कभी इन कभी इन कभी इन अतम नानी बायरी दादी सास बारसु आवे बहू ने परेशान देखी बहू कहीं हो बहू तो कुछ बोले नहीं बड़ी क्रोध में बहुत जोर से सासू बोली दादी सासू बोली बहू बता तो दे तू अति परेशान कहीं को है कति घूम रही है बहुत परेशान हो रही है थोड़ा आराम कर ले। अब महाराज एड़ी बात आप अपनी बहू ने कहो भाई देख बहू सारे दिन कत्ता काम करती है कति परेशान आराम कर ले तो एकदम खुशी तो होती है। देखो महाराज आज के दिन रिश्ता क्यों टूट रहा है सहनशीलता नहीं है सासू ने बहू को गुस्से में कुछ बोल दिया तो बहू उल्टा दो सुनाएगी और बहू ने कुछ बोल दिया तो सासू दस सुनाएगी
सहन शक्ति नहीं है। चलो बहू को गुस्सा आ गया तो सासू को समझना चाहिए, सासू को गुस्सा आया तो बहू को समझना चाहिए, रिश्ते ऐसे नहीं निभते। पर महाराज आजकल तो धनी लुगैया में झगड़ो हुई हो, लुगाई कगी मैं तो मेरा गांव जाऊं ठा जोड़ी और चली जाओ, बात करने की ने टाइम नहीं, डिवोर्स अहिया महाराज रिश्ता नहीं चाल्या करे, रिश्ता ने टाइम देनो पड़े, वक्त देनो पड़े, समझनो पड़े एक दूसरे ने, एक नहीं समझ सके तो दूसरो समझने की कोशिश करे। देखो महाराज चलो बहू ने गुस्सो आ गयो, गुस्से में सासू माँ ने कुछ कह दियो, देखो जिनरी बहू कभी कभी करे, उनरी बात करूं मैं, गुस्से में कछु कह दियो तो सासू या ना जाने कि मैंने बहू ने यह बात क्यों कह दी, उन्हें यह सोचनी चाहिए आज मेरी बहू ने गुस्सो क्यों आयो, परेशान क्यों है, काई बात है, प्रेम से पूछे बेटा काई बात है। इस तरह से निभते महाराज रिश्ते। तो महाराज दादी सासू कही बहू सारे दिन काम करती डोले, थोड़ी बैठ जा आराम कर ले, अब मुझे बता तो सही काका क्या बात हुई। बहू बोली क्या बताऊं, नानी बायरी सासू बोली क्या बताऊं मैं आपको, वो नरसीला है ना मोड़िया भी, मोड़िया ने निमंत्रण कुकु पत्री जा रही है और वो मोड़ियो अट्टे आवेगो सारी इज्जत मिट्टी में मिला दे वालो। सासू बस अत्ती बात, बूढ़ी सासू की सुन, नानी बायरी सासू बोली आपने अति लग गए, बूढ़ी सासू बोली नारा नारे हटिया मेरे पास एक इलाज है, नारण हो नानी बाई को देवर को नाम, बोली दुआत और कागज लेके आ, पहले महाराज पेन नहीं होया करता, उस दुआत होया करती साई गाल्या करता हूं मैंने, मोर की पांख सु लिखा करता, तो नारायण ने बोलो दादी इनो काई करनो है, तू ला तो सही। अब नानी बायरी दादू दादी सासू और नानी बायरी सासू से बोली अब तो मायरो रो सम्मान लिखांगा, अब तो सम्मान लिखांगा कि नरसिलो लाई नहीं पावेगो, और लानो तो दूर अब तो सम्मान मिले भी नहीं, और दूजोड़ी बात आ है कि अंतिम में विशेष नोट लिखते हैं ना, विशेष उसमें लिख देना कि आपके पास इतना मायरा हो तो ही आना वरना मत आना। जय हो। ठीक है अब दाद जो नानी बायरी सासू दादी सास रात पायर पकड़े सासू जी ते तो बड़ा होशियार निकलिया, महाराज ये डोकरिया ना डोकरिया बुडली बड़ी होशियार हुए, दो आदमियां रो खानो पांच आदमियां की कर परोस ना इनसे पूछो। नानी वारी दादी सासू बोली अरे मैं तो घनी होशियार हूं, कदे बैठे भी सही मेरे से ज्ञान लिया कर। देखो महाराज जो ज्ञान लेनो है होश, आजकल का बालक बालक तो छोड़ो माँ बाप ने टेम नहीं है, बालक है वो या तो मोबाइल हो रहे हैं मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, माँ है तो वो बालकों से बढ़ के अरे मेरा वो सीरियल आ गया जी टीवी पर आ गया फलाने पे आ गया, मेरे को तो खैर पता नहीं देखती नहीं कभी देखा ही नहीं, अरे वो सीरियल आ गया वो सास बहू वाला आ गया, बस उन्हीं के टीवियों की चिपकी रहती, और इनमें क्या है, बस उसने उसको धोखा दे दिया, सास ने बहू को धक्का दे दिया घर से बाहर निकाल दिया बहू सास को, इतनी घटिया है महाराज। और आज वही जो हमारे समाज में जो हम देख रहे हैं वही हो रहा, बॉलीवुड की फिल्म्स वगैरह होती हैं वही माँ बैठी वही बच्चा बैठा वही बूढ़ा बुजुर्ग सब बैठे और उसको एक साथ देख रहे हैं, उसमें इतने गंदे गंदे दृश्य होते हैं, तो उसका हमारे मस्तिष्क पर सबसे बड़ा असर तो बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, फिर कहते बच्चा बिगड़ गया, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, अपने बालकों को प्रहलाद भगत की कहानी सुनाओ, श्रवण कुमार री कहानी सुनाओ, महाराणा प्रताप री
री कहानी सुनाओ, भगत सिंह री कहानी सुनाओ, स्वामी विवेकानंद री कहानी सुनाओ। वैसे ही बनेंगे जो देखेंगे जो सुनेंगे। पर महाराज सुनाओ है कटे सु खुद ने नी ज्ञान। बालक को पहलो गुरु माँ हुए है, संस्कार घर से आते हैं, कई बाहर से नहीं आते। री बात सकुला री, मेरा सकुला में तो पढ़ाई सिर्फ अर्थव्यवस्था की है, उसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें तो सिर्फ दुनिया का ज्ञान होता है। संस्कार तो हमें सिखाने पड़ते हैं बच्चों को, फिर बड़े होते तो बच्चे को दोष देते। बच्चे का दोष नहीं, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। तो महाराज होश लेनो है तो बुढ़ा बडेरा कने बैठो, उनसु ज्ञान री बाता सुनो। जोश तो महाराज कठे भी आ जावे, होश जीवन में होश होना बहुत जरूरी है। अब महाराज सासू देवरानी जिठानी सारा कट्ठा हुए, मायरा री जो लिस्ट बनावे, लिस्ट में काई काई सामान लिखे। सास ननद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आएंगे, सास ननद देवरानी जिठानी सब मिल बैठी आएंगे। स्वाद कलम कागज मंगवाए, लेखक लियो बुलाए राम जी, लेखक लियो बुलाए बोलो नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। सवा पचीस मणि लिखो सुपारी, सवा पचीस मणि रोली जी, सवा पचीस मणि लिखो कलेवो और मेवन की गोरी राम जी। सवा पचीस मणि लिखो कलेवो और मेवन की गोरी, बोलो नारायण हरि नाम से प्रेम से हरि। हजार थान महमूदी लिख दो, थान दुसाला का पीड़ा। ठट्टा कर नरसीरा ब्याही बक्ता परछ बापड़ा, ओ ठट्टा करे नरसी का ब्याही बक्ता परछ बापड़ा। नारायण हरि की बोलो प्रेम से हरि। अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, अस्सी हजार तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में तो ए भाठा लिख दो यूं उठ बोली डोकरी, अरे कागज में तो ये भाठा लिख दो यूं उठ बोली डो, ओ बोलो नारायण हरि कि बोलो प्रेम से हरि। हरी बोलो प्रेम से हरि। भगत बैठल प्रभु सारे सब काज जी, नानी भाई के माय रारी सांवरिया नेला, नानी भाई का माय रानी सांवरिया नेला। अब महाराज अतो समान लिखो मारा में चीए ना चीए, पर लखनो बने तो काई काई लिखो। डोगरी बोली बुढ़ी दादी बोले नाराणा लिख दे सवा पचीस मण सुपारी। नाराणा बोलो दादी बुढ़ापा में सटियाई तो नहीं किया, काई करोगा सवा पचीस मण सुपारी। सवा पचीस मण कितना हुआ, एक मण में चालीस किलो हुआ है, तो महाराज सौ पच्चीस मन तो बहुत हो जावे। बोले दादी सटियाई किया के, अरे दो सुपारी से पूरा ब्याह हो जावे, अब तो को कहीं कर ला। बूढ़ी सासू बूढ़ी दादी बोली आने तो दो, आई गया तो दुकान वाले ने दे देंगा,
पण आण तो दियो। अच्छा और काय लिखो, बोलो सवा पचीस मण लिखो सुपारी, सवा पचीस मण रोरी। नारायण बोलो दादी पागल हो गया कि, अरे रोरी री एक पुड़िया लावा भाई, दो तीन महीना चल जाओ खूब, सवा पचीस मण रोरी अब तो कहीं कर ला। बुढ़ी दादी बोले आन तो दो, जे आई गया तो ई बार दिवाली पे सफेदी री जगह रोली लिप दंग। अच्छा और क्या लिखा है, सवा पचीस मण कले हो और सवा पचीस मण मेवा की बोरी, हजार थान, कितना थान, हजार थान महमूदी कपड़े की ये क्वालिटी आती थी पहले, महमूदी कुछ चरक वगैरह इत्यादि, तो बोले हजार थान महमूदी का लिख दो और साल दुसाला कापड़ा, ठट्ठा, ठट्ठा यानी हंसी मजाक। अब नरसिंह जी का जो ब्याई ब्याई कहने बोले सग्गा ने मजाक करके इतो सामान लिख रहा, बतो ऐली लिख रहा कि भाई नरसिंह आ ही नहीं पावे। और कहीं लिखो, बोली अस्सी हजार मोर लिख दो सोनरी, कत्ती मोर सोनरी अस्सी हजार, अरे करोड़ रुपया रोकड़ी महाराज, उस टाइम तो करोड़ रुपया बहुत हुआ करता, उस टाइम तो सौ रुपया भी बहुत हुआ करता, सौ रुपया में तो तकड़ा तकड़ा ब्याह हो जाया करतो। अब भी किसी आदमी को कहे भाई दस लाख रुपए तो एकदम से देखकर चौंक जाता, सुनकर ही बेहोश हो जाता, और करोड़ रुपया सुने तो एकदम से हार्ट अटैक फेल हो जाता। दो कितना मांगे, करोड़ रुपया रोकड़ी। अच्छा बोले कागज में दो भाटा लिख दो। नारायण बोला दादी भाटा रो कहीं करा ला, भाटा तो आपने गणा ही पड़ा, गली गली में पड़ता अंडा, भाटा रो कहीं करा ला। डोगरी बोली ऐसा वैसा बाटा नी, तो कैसा, सोनेरा बाटा, सोनेरा बाटा, सोनेरा बाटा, तो सोनेरा बाटा रो कहीं करा ला। बोली दो, बोले तो एक ही बहुत सोनेरा बाटा को, तो बोली दो मंगवाऊंगी, एक पे बैठूंगी दूसरे पे मेरे पैर रगड़ूंगी, जो सर्दी बहुत लगती है उस पे पैर रगड़ूंगी तो गर्म हो जाएगी। महाराज उपयोग तो देखो। अब महाराज मारा री बड़ी सी लिस्ट बना दी, और लिस्ट बना रे साथ में कुकू पत्री, पर अब समस्या आ गई, पर देर कुणा आवे, नरसिंह जी ने देखे कुणा, सब ने पतो बटाना जाने तो की है कुछ, मिलनो कुछ है नहीं, सब नाट गया। पहले महाराज पता क्या रिवाज होता था, जिस जो कुकू पत्री लेके जाता है वो बधाई देता, और जिसके पास कुकू पत्री भेजी जा रही वो बधाई देता, तो सबको पता नरसिंह के पास कुछ आना जानी है नहीं। उई गांव में एक ब्राह्मण हो बुड्ढो सो, कति एकदम हाल रहो, अक्षरे की भी जरूरत नहीं, उसको कपड़े पहने हो तो ऐसा लगता जैसे कि खेत में वो क्या बोलते हैं उसको, कपड़े पहना के टांगते ना एकदम, क्यों कमजोर, क्योंकि वो बहुत बीमार रहते थे, तो वे बोले कि मैं जाऊंगा नरसिंह जी ने कुकू पत्री देने वास्ते। उन्हें हाँ क्यों करी, क्योंकि वे अंतिम बार महाराज नानी बाई रे ब्याह में ही नरसिंह जी से मिला था, और नानी बाई का ब्याह में कुकू पत्री दे के आया अब, तो उन्हें बहुत सारो धन दियो, कोकलियो नाम हो भी को, तो कोकलियो सोचो कि भाई नरसिंह जी है, अड़ो धन मिलेगो, अड़ो माल मिलेगो, पर उन्हें कहीं पतो मैं तो भक्कड़ हो रहा, कोकलियो जान वास्ते तैयार हुई हो, मारारी लिस्ट ली, कोको पत्री ली, कोकलियो नानी बाई कन गयो, घर को बामण को कल्या श्री रंग लियो बुलाए, पहले दीनी पत्रिका यो कागद ले जा। तुम राज अब कोकलो कुकू पत्री लेर नानी बाई रे पास गयो, बाई बहू तेरा भी कुछ समाचार देना है के, तेरो भी कुछ लिखनो है के। महाराज आपके पिताजी रो अपमान नानी बाई सहन नहीं कर पाई, नानी बाई बोली, नानी बाई बोली थे तो लिखो इती
ਤਾਂ ਸਰੀਏ ਮੇਥੇ ਆਜੋ ਹੀ ਮਤੀ ਤੇ ਤੋ ਅਤੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਰਾ ਸਾਂਸਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਣੂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਾ ਸਾਂਸਰਾ ਲੈ ਮਾਰੋ 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 ਅਰੇ ਕਾਗ ਮਾਰਾ ਕੁਕੂ ਪਤਰੀ ਭੇਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣੋ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰੋ ਕੱਟੇ ਮਾਰੋ ਕੱਟੇ ਮਾਰੋ ਕੱਟੇ ਔਰ ਮਾਰੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ ਅਬ ਬਤਾ ਜਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਰੋ ਹੋਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰਾਜ ਕੋਕਲਿਓ ਬਟੇ ਸੁ ਚਾਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਜੀ ਬਣਾਣਾ 8 ਟੱਕਾ ਦੇਵਾ ਕੱਤਾ ਟੱਕਾ ਸੋਨੇਰਾ 8 ਟੱਕਾ ਅਬ ਕੋਕਲਿਓ 8 ਟੱਕਾ ਲੇਰ ਆਪਰੀ ਲੁਗਾਈ ਕਨਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਸੁਣੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਰੀ ਲੁਗਾਈਆਂ ਰੋ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਤਾ ਅਰ ਨਾ ਧਣੀ ਰੋ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋ ਦੇਖ ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚਾਉ ਸ ਨਾਮ ਲੇਵੇ ਆਟਰੀ ਮਾਇਆਰੀ ਬਾਤ ਕੁੰਗ ਔਰ ਕਟੇਗੀ ਹੈ ਆੜਰੀ ਮਾਈ ਤੋ ਬੋਝ ਕਾਰੋ ਦੇਰ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਗਾਈ ਆਪਰੇ ਧਣੀ ਰੋ ਨਾਮ ਮੁਖਸੂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਤੀ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾਉ ਮੈਂ ਤੋ ਸਤ ਮਾਥਾ ਆਪਰਾ ਜੇਠਰੀ ਛੋਰੀ ਜਿਰੋ ਨਾਮ ਹੋ ਚੰਦੂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲੇਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੋ ਬਟੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਭਜਨ ਆਇਓ ਜੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਕੰਸ ਨਿਕੰਦਨ ਦੇਵ ਕੀ ਨੰਦਨ ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਸਭ ਗਾਓ ਗਾਓ ਅਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾ ਇੱਕ ਲੁਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਅਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਸ਼ਚਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ ਅਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚੀ ਅਬ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਅਬ ਤਾਂ ਗਾਣੋ ਹੀ ਪੜ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਗਾਤੀ ਪਤਾ ਜੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਦੀ ਜੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਕੰਸ ਨਿਕੰਦਨ ਚੰਦੂ ਕੇ ਚਾਚਾ ਤੁਮ ਸਰਣਮ ਜੈ ਹੋ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸਣੇ ਲਗੇ ਤੋ ਰੁਕਮਣੀ ਮਈਆ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਆਜ ਇੱਕ ਨਯਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਚੰਦੂ ਕੇ ਚਾਚਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਕੀ ਨੰਦਨ ਉਸਕੇ ਪਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਥਾ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਥੋੜੀ ਸੁਸਤੀ ਉਤਰ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਬਾਤ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਕੋਕਲੋ ਆਪਣੀ ਲੁਗਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਲੈ 5 ਟੱਕਾ 3 ਟੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਨਰਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਕੂ ਪਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਨਾਗੜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ 4-5 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮਤੀ ਕਰੀਏ ਲੁਗਾਈ ਬੋਲੀ ਆ ਕੁਕੂ ਪਤਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਪਰ ਤੇ ਮਤੀ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਕਲੋ ਬਿਮਾਰ ਰਿਆ ਕਰ ਤੋ ਸਾਂਸ ਫੁੱਲਣ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 10 ਕਦਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੋ ਤਮ ਸਾਂਸ ਮੈਂ ਭਰ ਜਾਤੀ ਕੋਕਲੋ ਬੋਲੋ ਓ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੋ ਜਾਉਂਗਾ ਅਬ ਕੋਕਲੋ ਬਟੇ ਤੂੰ ਚੱਲੋ ਚੱਲੋ ਤੋ ਗਾਉਂ ਰ ਚੌਕ ਮਤ ਬਾਇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਇਲਾ ਬੁਲਾ ਅਜ ਕਟੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਬਾਤਾਂ ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਅਬ ਕੋਕਲੋ ਸੋਚੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਆਪਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਾਪ ਪਾਛੋ ਜਾਉਂਗਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵਲੀ ਮਨ ਦੋਸਤ ਬੋਲਾ ਭਾਈਲਾ ਬੋਲਾ ਮਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਰਾਤ ਰਾਤ ਅਬ ਰਾਤ ਰਾਤ ਕੋਕਲੋ ਬਟੇ ਰੁਕ ਦੂਜੋ ਦਿਨ ਤੋ ਚਾਲਿਓ ਜੋਸੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਰੋਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋ ਚਾਲਿਓ ਜੋਸੀ ਕਰ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਰੋਸ ਕਾਗਾ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੰਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਦੋਸ ਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਬਾਗਾ ਕਾਈ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਣ ਰੋ ਕਿਣਨੇ ਦੀ ਜੇ ਰੋ ਜੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਹਰੀ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਭਗਤ ਬੈਠਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ
काली सेवा का कवि नानी बाई के माए लारी सांवरिया ने ला ओ भक्ति बसले प्रभु सारे सब काज भगत बसले प्रभु सारे सब नारायण हरी कि बोलो नेम से हरी। अब महाराज दूजो दिन जोश करके दूजो दिन तो चलो जोशी करके मन में रोज कड़कई हुई सुबह हुई हो तो जोशी जी मन में जोश करो कि आज तो मैं जूनागढ़ पहुंच ही जाऊंगो। अब बागा ताई पहुंचो गांव रे बालना के बगीचा होया करता पहले बटे कोई भी राहगीर हो तो वो बटे आराम कर लिया कर तू तो बागा ताई पूछो तो जोशी जी सांस भूल गयो दमो कड़े हो गयो। अब जोशी सोचो खड़े हो जाऊं बाग में थोड़ी देर आराम कर लूं। अब खड़े हो गयो तो सोचो अया तो थकान उतरे नहीं अया तो सांस ठीक नहीं होला तो बैठ जाऊं बैठ गयो। अब सोचो बैठो बैठो थोड़ी ना कुछ हो थोड़ी देर लेट ले। अब महाराज जोशी जी सोई गयो कोकलो एड़ो सोयो खड़ा का पड़न लगो खड़ड़ खड़ड़ शाम होगी थक्योड़ो चालोड़ो बीमार वैसे भी। अब ऊपर ठाकुर जी ने चिंता होगी ओ बमन तो ओ कोकलो जी तो पूछे ही नहीं गो नानी पारी बेटी रो ब्याह हो लिए गो ब्याह बच्चा बेटी वापिस भी आए जा ले आपका गाँव जब जा तो कोई नरसी जी रे पास पूछे गो मेरे भगत ने की कर पतो चल लो मैं की करूँ रहा काम सारे सिद्ध करूंगा। तो ठाकुर जी ने आपरे पार्षदासु कही कि जाओ अंजार नगर रे बारले पास बाग रे माई बूढ़ा ब्राह्मण देवता सुत्या है और उन ब्राह्मण देवता ने विमान में बैठा रहे जूनागढ़ में कोई चबूतरा या कोई दुकान आगे सुला दो पर एक बात को ध्यान रख जो कदे जाग जावे कोकलो जाग जावला तो हट्टे का जावे को बीच में धानसु विमान में घाट डाल और बन्ना जूनागढ़ पहुंचा दियो। अब महाराज पार्षद क्या करते बूढ़ लो भी रामन थाक्यो सुतो खुटी ताने राम जी बूढ़ लो भी रामन थाक्यो सुतो खुटी ताने ए जी आकाश सो आयो श्री ठाकुर जी को विमान कि बोलो नारायण हरि कि बोलो प्रेम से हरि ऐसो तो उपकार बूढ़े ब्राह्मण ऊपर कियो जी ऐसो तो उपकार बूढ़े ब्राह्मण ऊपर कियो जी छिना में पहुंचायो रे जूनागढ़ रे बाजार जी ओ छिन में तो पहुंचायो बामण जूनागढ़ बाजार जी भगत बसले प्रभु सारे सब का नानी बाई के माए रारी सांवरिया ने लाजरा बोलो नारायण हरि कि बोलो प्रेम से हरि तो महाराज बूट लो ब्राह्मण था क्यों सुतो खुटी ताण कि बूट लियो जो ब्राह्मण हो खुटी ताण के खल्डा कपाड़ सुत्यो। इतने में आकाश आसु आयो मारे ठाकुर जी रो विमान कि आकाश मार्ग सु ठाकुर जी रा पार्षद विमान लेके आ गया। अरे जोशी जी ने विमान में घाल जूनागढ़ रे माई ले आवे ऐसा तो बुढ़े ब्राह्मण ऊपर ठाकुर जी ने उपकार कियो। अब महाराज कोकले की आंख खुले भाई बाजार है तो रोड़ो तो वही को एक तो बाग बाग में तो शांति होवे। अब शोर हो रही हो तो कोकले उठो हाँ कटी आ गयो मैं। अब देख के तो भैया बाजार वापिस सोई गयो सोचो सपनो है दोबारा पछस है कनम शोर सुन लो फिर सोचो भाई मैं तो बाग में सुते हो शोर कटसू हो गयो बाजार में कटसू आई गयो। कोकलो उठो पानी का छापा मारे आंखा
पचो महाराज देखियो तुम्हें और कटे आ गयो। फिर बटे नगरी में बैठा भैया से पूछो, भाइयो ओ कौन सो नगर है, नगरी रो काई नाम है, मैं भूलो भटक्यो आई गयो। तो बटेरा लोगा कही, भाई ओ जूनागढ़ है। कुकलू जूनागढ़ आई गयो। अब महाराज कोकलो बोलियो, सोचो मन में, अरे महाराज मैंने तो नींद में चालन री बीमारी है और मैं तो निंदा में चाल जूनागढ़ आई गयो। चलो भगवान को लाख लाख शुक्र मैं और कटे नी गयो, दिशा सही पकड़ी। आज पचे नू करा करूं, कटे भी जाऊंगा तो अपना पैर बांध के सोऊंगा किसी पेड़ के, वरना तो मैं और कहीं भी चला जाऊंगा। अब पूछो जूनागढ़ ओ तो नरसिंह जी रो गांव है। कोकलो खुश हो गयो। तो महाराज इसी के साथ में आज हम तीसरे दिवस की कथा विश्राम करते हैं।